नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुके त्रिभुवन कौशिक। आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। मैं वकालत करता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वेरियस हाई कोर्ट्स, प्रेडोमिनेंटली ट्रायल कोर्ट्स इन नेशनल कैपिटल रीजन और दिल्ली इंक्लूडिंग ट्राइब्यूनल्स। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो ब्लॉग है ये है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि है सेक्शन 21 से रिलेटेड और जो बात करता है जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स के सामने जो बातें कही जाती हैं उसको जो है किस हिसाब से इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से जो है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई क्या आप मैजिस्ट्रेट साहब से सवाल पूछ सकते हैं, क्या आप जज साहब से सवाल पूछ सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो ब्लॉग में डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, बेल आइकन दबाने से वीडियो ब्लॉग्स आपके पास आनन फान में पहुंचेंगे। मैं हफ्ते भर में कई सारे वीडियो ब्लॉग्स बनाता हूं, उनमें से कुछ आपकी जानकारी के लिए हो सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो यू नो डोंट फॉरगेट टू लाइक यू नो वीडियो ब्लॉग, देन डोंट फॉरगेट टू यू नो सब्सक्राइब टू माय फेसबुक पेज। आइए आज का वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों सेक्शन 121 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बात करता है जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स से रिलेटेड। इसमें कहा गया है एंड देन रीड इट, आई मीन व्हाइल आई एम रीडिंग इट जस्ट हियर इट केयरफुली। नो जज और मैजिस्ट्रेट एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू व्हिच ही इज सबॉर्डिनेट बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चंस as to his own conduct in the court as such judge or such magistrate or as to anything which came to his knowledge in the court as such judge or a magistrate, but he may be examined as to other matters which occurred in his presence whilst he was so acting. So, dosto, ये जो मैंने आपके सामने पढ़ा इसका मतलब ये है कि किसी भी जज साहब को उनका जो जुडिशियल काम वो कर रहे हैं उसके लिए कुछ भी कहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है अनटिल अनलेस कोई सुपीरियर कोर्ट उनको ऐसा जो है करने के लिए कह रहा हो। ये तो रही उनकी जज साहब की एक जो है पर्सनल अधिकारिता। और दूसरा जो हम हमेशा देखते हैं कि बहुत सारे केसेस में मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जो है सेक्शन 164 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो है स्टेटमेंट होते हैं जिनको मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट कहते हैं। तो क्या उन स्टेटमेंट्स को जो मैजिस्ट्रेट साहब की उपस्थिति में किए गए हैं, भाई क्या आप मैजिस्ट्रेट साहब को कोर्ट में बुला के क्या आप सवाल जवाब कर सकते हैं अगर आप अक्यूज के वकील हैं? तो जवाब है हाँ। भाई जब किसी मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो है एविडेंस रिकॉर्ड किया गया है सेक्शन 164 का, अगर उन्होंने लिखा है ये स्टेटमेंट, तो आप मजिस्ट्रेट साहब को बुला सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक तौर पे ऐसा नहीं होता भाई। ट्रायल कोर्ट्स में व्यवहारिक तौर पे जो मजिस्ट्रेट साहब ने जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो सेक्शन 164 का जो स्टेटमेंट होता है अगर आप देखेंगे तो उसके बाद में जो है आप 164 और 161 के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप as accused person you only try and use those statements to contradict the you know witness here aap jo witness hai jiska 164 ka statement kiya gaya hai aap uske statements ko contradict karne ke liye hi aap 161 164 ke statements ka jo hai sahara lete hain lekin dekha ye gaya hai ki bahut sari situations bhi hain jisme jo hai magistrate saab ko bhi court ke samne bulaya ja sakta hai अगर उनकी उपस्थिति में कोई बयान दर्ज हुआ है। और जज और मैजिस्ट्रेट्स क्योंकि यू नो दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, तो अगर कोई ऑफेंस उनके सामने जो है हुआ है तो ऑब्वियसली उस ऑफेंस के क्योंकि वो आई विटनेस हैं तो उसमें जो है उनको एज जो है एविडेंस के तौर पे, गवाह के तौर पे साक्ष्य देने के लिए कोर्ट के सामने बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों एक छोटा सा एक वीडियो ब्लॉग था जो कि बात करता है सेक्शन 121 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के प्रावधानों के बारे में। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। पूरे वीडियो ब्लॉग के दौरान सोशल मीडिया डिटेल्स यहाँ पर थी, आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे वीडियो ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।